तो अब बात करते हैं पार्ट फोर की। पार्ट फोर ऑफ व्हाट? पार्ट फोर ऑफ GS2 टेस्ट नंबर 3, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक की बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सिटीजन चार्टर ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। के इम्पैक्ट ऑफ सिटीजन चार्टर ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया, आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस एंड सजेस्ट मेजर टू एंश्योर दैट द सिटीजन चार्टर शुड बिकेम अ गेम चेंजर इन इंडियन गवर्नेंस स्टोरी। ओके, तो यहाँ पे सिटीजन चार्टर की बात करनी है। पहले तो इम्पैक्ट ऑफ सिटीजन चार्टर की बात करनी है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। दूसरा है कौन कौन से लिमिटेशंस हैं इसके अंदर, एंड थर्ड हमको कैसे कैसे इस लिमिटेशन को, चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं, उसके मेजर्स हमको बताने हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं भाई। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सिटीजन चार्टर ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन एंड सजेस्ट मेजर टू एंश्योर दैट द सिटीजन चार्टर वुड बिकेम अ गेम चेंजर इन इंडियन गवर्नेंस स्टोरी। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे बाई मैंशनिंग अबाउट वाट इज सिटीजन चार्टर एंड इसे करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताएंगे। सिटीजन चार्टर या फिर कोई भी करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो करंट अफेयर में नहीं से आता है, बट ये क्वेश्चन जो है वो गवर्नेंस से है, एंड गवर्नेंस में सिटीजन चार्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, है ना? क्या ये साथ साथ मैंसन है गवर्नेंस के सिलेबस में? क्या ये साफ साफ मैंसन है? हाँ बिल्कुल सही है भाई, जो गवर्नेंस है उसके सिलेबस में, है ना, गवर्नेंस के सिलेबस में हमारे पास साफ साफ मेंशन है भाई। ओके, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। या फिर हम कोई भी करंट अफेयर कंटेक्स्ट के बारे में बताएंगे, यहाँ पे हम डिफिनेशन देंगे सिटीजन चार्टर होता क्या है। ओके, के बाद बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे भाई? बॉडी के अंदर हम इम्पैक्ट बताएंगे सिटीजन चार्टर का किसके ऊपर? पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऊपर। इम्पैक्ट ऑफ सिटीजन चार्टर ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। सेकंड हमको बात करना है अबाउट दी लिमिटेशंस ऑफ सिटीजन चार्टर इन इंडिया। लिमिटेशंस ऑफ सिटीजन चार्टर इन इंडिया। तीसरा है हमको मेजर्स के बारे में बताना है, टू मेक इट अ गेम चेंजर, मेजर्स टू मेक इट अ गेम चेंजर। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर है ना, हम कंक्लूड करेंगे विद ए स्टेटमेंट और विथ इट्स पोटेंशियल टू एनहांस सर्विस डिलीवरी। कैसे ये सर्विस डिलीवरी एनहांस कर सकता है? सीसी पोटेंशियल टू एनहांस सर्विस डिलीवरी, एंड कैसे ये गवर्नेंस को इन्हांस कर सकता है, इसके बारे में बात कंक्लूड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई। सिटीजन चार्टर होता क्या है? सिटीजन चार्टर इट रिप्रेजेंट द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम ऑफ सर्विस डिलीवरी। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका जो कमिटमेंट है, उसकी जो एक तरीके से उसकी जो डेडिकेशन है ना, सब है ना, वो होता है टुवर्ड स्टैंडर्ड, क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम सर्विस डिलीवरी, है ना। और वो जो ग्रीवांस रेडेशन मैकेनिज्म के थ्रू जो चीज़ें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिटीजन चार्टर बोलते हैं भाई। एंड इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है सिटीजन चार्टर का? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर द सिटीजन इन रिलेशन टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी तो हो रहा है, लेकिन उसका क्वालिटी भी मेंटेन रखना है, उसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखना है, और कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिलीवरी हो, है ना, कोई दिक्कतें हो तो वो क्या हो, उसका दिक्कतों का निवारण हो, दैट इज ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं सिटीजन चार्टर, एंड इट का इट एम्पावर्स द सिटीजन फॉर बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी।
एंड SSA क्या होता है भाई, इससे ऑल्सो इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में सिटीजन चार्टर सिटीजन्स चार्टर रिप्रेजेंट्स दी कमिटमेंट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम ऑफ सर्विस डिलीवरी ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म। ऐसे लिखते हैं भाई, एंड टाइम फ्रेम ऑफ सर्विस डिलीवरी टू एम्पावर सिटीजन टू एम्पावर सिटीजन इन रिलेशन टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी। टू एम्पावर इन रिलेशन टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो पहले हम बात करेंगे बॉडी के अंदर इम्पैक्ट की, इम्पैक्ट ऑफ सिटीजन चार्टर ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इम्पैक्ट ऑफ सिटीजन, इम्पैक्ट ऑफ सिटीजन चार्टर ऑन पब्लिक सर्विस, इम्पैक्ट ऑफ सिटीजन चार्टर ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। पहला जो इम्पैक्ट है, जो सिटीजन चार्टर होता है, इट सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, मतलब जो एक स्टैंडर्ड सेट करेगा सर्विस के लिए, इससे नीचे हमारे पास सर्विस नहीं मिलनी चाहिए। जिससे क्या होता है, जो सिटीजन होते हैं, दे कैन एक्सपेक्ट एंड रिमेन गवर्नमेंट, ओके, एंड एक्सपेक्ट एंड रिमाइंड द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ द ऑब्लिगेशन दैट दे हैव। मतलब एक ये स्टैंडर्ड होता है जिससे वो बोलेंगे सिटीजन की, देखो भाई ये स्टैंडर्ड इतना है, आप हमको इतना समय में नहीं दे रहे हो, तो आपकी गलती है ये। सो इट हैज़ इम्पैक्ट क्या रहा है, जो सिटीजन चार्टर होता है, इट सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, है ना, सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस। और इम्पैक्ट क्या है भाई सिटीजन चार्टर का, इट सेट, ऐसे लिखते हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, जो कि हेल्प करता है, हेल्प टू डिफाइन व्हाट सिटीजन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट्स। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट्स। और क्या इम्पैक्ट है भाई सिटीजन चार्टर का, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज है ना, इट इंश्योर्स दैट द पब्लिक सर्वेंट आर ओपन टू द कंसर्न्स एंड क्वेरीज ऑफ पब्लिक, है ना, एंड ट्राई टू प्रोवाइड एज मच एज इंफॉर्मेशन पॉसिबल टू द सिटीजन। ऐसा कौन इंश्योर करता है भाई, जो सिटीजन चार्टर है वो। सो इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी। इट इंश्योर्स दैट द पब्लिक सर्वेंट आर ओपन टू दी कंसर्न्स एंड क्वेरीज ऑफ पब्लिक।
और क्या करता है सिटीजन चार्टर, है ना, इट जो सिटीजन चार्टर होता है इट इंश्योर्स व्हाट, इट इंश्योर्स पब्लिक कंसल्टेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इट इंश्योर्स पब्लिक कंसल्टेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। सिटीजन चार्टर और क्या करता है भाई, सिटीजन चार्टर एनकरेज एक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ चॉइस बिकॉज, है ना, जो इंफॉर्मेशन होता है उसके एक्सेस को ये बढ़ाता है एक प्रकार से। ओके, सो इट एनकरेज एक्सेस एंड द प्रमोशन ऑफ चॉइस। Among the citizens, encourage access and promotion of choice among the citizens. ये एक प्रकार से impact हो गया भाई citizen charter का। और क्या है, जो citizen charter होता है ये हमको मदद करता है in using the resource effectively because everyone responsibility is not one responsibility, है ना। पब्लिक सर्विस में ऐसा नहीं होता कि भाई एक आदमी की सब जिम्मेदारी पड़ती है, सब आपस में मिल के ही, है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। सो इट यूज रिसोर्स इफेक्टिवली, ओके, मतलब इसका मतलब ये है जो सिटीजन चार्टर होता है ना, सिटीजन कैसे नहीं लिखते वैसे लिखते हैं, सिटीजन चार्टर एंश्योर्स इफेक्टिवनेस एज अ इफेक्टिवनेस एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, इफेक्टिवनेस एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल इन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स फॉर पब्लिक सर्विस। ओके, तो ये हमारे पास इम्पैक्ट हो गया किसके भाई, इम्पैक्ट ऑफ सिटीजन चार्टर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। नाउ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये सब फायदे हैं जो कि हमने देखा, इनकरेज करता है एक्सेस को, पब्लिक कंसल्टेशन को इंश्योर करता है, है ना, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स आसानी से हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, ऑल्सो जो सिटीजन चार्टर इट्स सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिलीवरी। सो ये सब चीज़ें फायदे हैं, ये सब इम्पैक्ट्स हैं किसके, हमारे पास सिटीजन चार्टर के। बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं सिटीजन चार्टर के अंदर। तो लिमिटेशन क्या है भाई, पहला तो जो लैक्सिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स हैं, मतलब वो थोड़े से आलसी टाइप के होते हैं, है ना, बिकॉज जो कंसल्टेशन प्रोसेस होता है विच इज़ लार्जली अब्सेंट यार, मतलब आपको जो सर्विस मिली है क्या उसका कोई फ़ायदा आपको मिला है, ये पूछना बहुत पूछ ये पूछा कर बहुत कम बार पूछा जाता है ये सब चीज़, ठीक है। सो लैक्सिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज़ ऑल्सो नेगेटिव, क्या है भाई, नेगेटिव इज द लैक्सिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स बिकॉज जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वॉज मिनिमल और लार्जली एब्सेंट। और क्या लिमिटेशन है भाई, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई नहीं है वो, है ना, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई नहीं है, सो दे आर अनअवेयर ऑफ द स्पिरिट एंड कंटेंट ऑफ द चार्टर। ओके, सो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग लीड्स टू अवेयरनेस ऑफ द स्पिरिट एंड कंटेंट ऑफ द
चार्टर। और क्या चैलेंजेस हैं भाई? जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, मतलब हमारे पास जो ट्रांसफ़र है या फिर रिसफ़र होता है ऑफिसर्स का एट क्रूशियल स्टेज, है ना, इट्स सीवियरली अंडरमाइंस द सिटीजन चार्टर। बिकॉज वो कैसे ध्यान देगा भाई कि उसका सर्विस ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, जब उसका ट्रांसफ़र ही हो गया। तो ट्रांसफर्स एंड रिशफल्स ऑफ कंसर्न ऑफिसर एट दी क्रूशियल स्टेज ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ दी सिटीजन चार्टर। सीवियरली अंडरमाइंड इट। और क्या दिक्कतें हैं इसके अंदर यार? लैक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस ये भी एक चैलेंज है। और क्या क्या चैलेंजेस हैं भाई? लैक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस एंड लैक ऑफ क्लैरिटी, है ना। बहुत सारे अनरियलिस्टिक एलिमेंट्स भी हैं इसके अंदर यार। बिकॉज सिटीजन चार्टर वेयर आइदर टू लैक्स और टू टाइट, वेयर इसीलिए क्या है यहाँ पे अनरियलिस्टिक है यार। बहुत ज़्यादा, है ना, खाली टाइप के हैं या फिर बहुत ज़्यादा कड़े हैं ये। पॉइंट्स तो मैं बहुत सारे लिख रहा हूँ, एग्जाम में इतना पॉइंट्स नहीं लिखना होता, वर्ड लिमिट पार हो जाएगा। पॉइंट्स को कट करके लिखना चाहता है, पॉइंट दो दो पॉइंट, है ना, तीन तीन पॉइंट मैक्सिमम। सो अनरियलिस्टिक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं सिटीजन चार्टर के अंदर। बिकॉज सिटीजन चार्टर इज आइदर 2 लैक्स, सिटीजन चार्टर वेयर आइदर 2 लैक्स और टू टाइट। तो सब हमारे पास लिमिटेशंस है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई? मेजर्स जिसको ये जिसमें ये गेम चेंजर का रोल निभा सकता है जिस प्रकार से, तो हम कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं यहाँ पे? मेजर्स टू मेक इट अ गेम चेंजर। मेजर्स टू मेक इट अ गेम चेंजर। बिकॉज हमको वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए। है ना? वन साइज डज नॉट फिट ऑल। सो हमें कहना चाहिए सिटीजन चार्टर अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग बनाना चाहिए। सिटीजन चार्टर फॉर ईच इंडिपेंडेंट यूनिट होना चाहिए। सो और क्या कर सकते हैं भाई? हम पे वाइडर कंसल्टेशन पे फोकस करना है। वाइडर कंसल्टेशन विथ हुम? वाइडर कंसल्टेशन विथ सिविल सोसाइटी। और किस पे फोकस कर सकते हैं?
हमको इंटरनल रिफॉर्म्स लाने चाहिए, मतलब जो इंटरनल प्रोसेस स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे पीरियोडिक इवेल्युएशन कर सकते हैं ट्रिक, है ना। पीरियोडिक इवेल्युएशन हमको क्या करने हैं, क्वालिटी बेंचमार्क्स बनाने की ज़रूरत है। क्रिएट्स क्वालिटी बेंचमार्क्स, और हमको कमिटमेंट भी लेना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। खाली नाम के लिए बना दिया इनिशिएटिव, सबको ध्यान नहीं देना, हमको कमिटमेंट लेना पड़ेगा। सो ये सब जी मेजर्स हम अपना सकते हैं फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द सिटीजन चार्टर एंड इट एक्ट। तो जिससे हम, जब सिटीजन चार्टर अच्छे से काम करेगा तभी हम उसको क्या करेंगे, एक तरह से गेम चेंजर के फॉर्म में देख पाएंगे, फिर गेम चेंजर उसको बना पाएंगे। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट डज द गवर्नमेंट शुड बी कमिटेड टू सर्व द सिटीजन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशियंट मैनर टू नॉट ओनली मीट बट ऑल्सो टू एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन। डस दी गवर्नमेंट शुड बी द गवर्नमेंट शुड बी कमिटेड टू सर्व दी सिटीजन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशियंट इन एन इफेक्टिव एंड एफिशियंट मैनर टू नॉट ओनली मीट बट ऑल्सो टू एक्सीड्स देयर एक्सपेक्टेशन। ओके सो ये था क्वेश्चन हमारे पास सिटीजन चार्टर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था भाई, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सिटीजन चार्टर। हमने देखा कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या थे, मतलब इसने क्या क्या चेंजेस एक प्रकार से लाया, इसने सेट किया स्टैंडर्ड, ओके इसने ट्रांसपेरेंसी लाया भाई, इसने कंसल्टेशन को इन्वॉल्व किया, ओके और एनकरेज किया किसको, एनकरेज एक्सेस टू चॉइसेस, है ना। एंड ऑल्सो इसने रिसोर्स को आसानी से और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया। सिर्फ हमारे पास इम्पैक्ट रहे, लिमिटेशंस की बात करें तो लैक्सिटी जो था गवर्नमेंट्स ऑफिसर का, जो आलसीपन था, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी भाई, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस थे बहुत सारे, अवेयरनेस जनरेशन अवेयरनेस नहीं था लोगों के पास, एंड तो ये सब चीज़ लिमिटेशन। हमने मेजर्स जो कि हमने सजेस्ट किए जिससे हम इसको दूर कर पाएंगे, है ना। ऐसा मेन ये जो मेजर्स हमने लिखे हैं ना, इट इज़ मेंशन बाय द सेकेंड एआरसी, अकॉर्डिंग टू इट इज़ सेकेंड एआरसी ने इसको बताया था भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के हिसाब से ये जो मेजर्स हैं, ठीक है। सो कौन कौन से मेजर हमने लिए, हमने बोला कि भाई एक साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं लगाने चाहिए, हमको इंडिपेंडेंट यूनिट के लिए अलग अलग सिटीजन चार्टर बनाना चाहिए, है ना। वाइडर कंसल्टेशन पे ध्यान देना है अपने को, हमको फर्म कमिटमेंट्स रखने की, हाँ यार हमारे ये टारगेट है हम ये पूरा करेंगे। इंटरनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमारे पास, है ना, इंटरनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। बेंच मार्किंग हमको प्रोवाइड करना है जिससे हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट हो पाए। एंड बहुत भी पीरियडिक इवोल्यूशन कर सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट को अकाउंटेबल करेंगे भाई। सो ये सब चीज़ें हमने किया। तो क्वेश्चन था डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सिटीजन चार्टर ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया, आइडेंटिफाई लिमिटेशंस एंड सजेस्ट मेजर टू एंश्योर दैट द सिटीजन चार्टर वुड बिकेम अ गेम चेंजर इन इंडियन गवर्नेंस स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का, इंडियाज हाई प्रीवेलेंस ऑफ स्टंटिंग वास्टिंग एंड एनीमिया कंटिन्यू टू पोस्ट पब्लिक हेल्थ रिस्क फॉर चिल्ड्रेन एंड वुमेन। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एग्जामिन द परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। हमको परफॉर्मेंस की बात करनी है, चैलेंजेस की बात करनी है ऑफ वॉट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS,
एंड सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन इट। ये क्वेश्चन कहाँ से है भाई? ये क्वेश्चन है सोशल जस्टिस से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कहाँ से है? सोशल जस्टिस से, जीएस पेपर टू में। सोशल जस्टिस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई मेंस के पेपर में सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज को अगर आपने छोड़ दिया तो ले देखिए आपके 50 या फिर 60 मार्क्स की चीजें चली जाती है। ओके, सो ये है पार्ट किसका? सोशल जस्टिस का। यार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इंडियाज हाई प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग, वास्टिंग एंड एनीमिया कंटिन्यूज टू पोस्ट पब्लिक हेल्थ रिस्क फॉर चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एग्जामिन द परफॉर्मेंस। पहला तो बात करनी है अपने को परफॉर्मेंस की, दूसरा इसमें चैलेंजेस कौन कौन से हैं, इन वॉट इन द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एंड जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर कैसे करें, उसके लिए हमको ये मेजर्स भी बताने हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? बाई गिविंग अबाउट द हाईलाइट्स ऑफ प्रिवेलेंस, मतलब जो स्टंटिंग वास्टिंग एनीमिया है उस देश में कितना ज़्यादा है उसके बारे में हम थोड़ा सा हाईलाइट देंगे, डाटा के बारे में बात करेंगे। ओके, हाईलाइट्स ऑफ हाई स्टंटिंग वास्टिंग एंड एनीमिया। स्टंटिंग देखो, वास्टिंग का मतलब होता है वेट, इट इज लो वेट फॉर हाइट। एंड व्हाट इज स्टंटिंग? स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट पर एज। ओके, एज के हिसाब से हाइट कम होना इज कॉल्ड स्टंटिंग, एंड वास्टिंग मतलब हाइट के हिसाब से वेट कम होना। सो इनके बारे में हम डाटा बताएंगे कितना प्रिवेलेंट है एंड कौन कौन से इसकी ये प्रोसेस करते हैं। उसके बाद बॉडी की तरफ जब मूव करेंगे तो बॉडी में हम पहली बात तो करेंगे अबाउट दी अचीवमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। पहले तो परफॉर्मेंस मतलब उसका अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे। अचीवमेंट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसके बारे में इसमें चैलेंजेस कौन कौन से एसोसिएटेड हैं भाई, चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ हो गए, हमारे पास सप्लाई नेटवर्क प्रॉब्लम्स और सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग में इशू हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हो गए, एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स जो कि ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्सो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बहुत कम फोकस किया जाता है, ये भी एक तरह से यहाँ पे चैलेंज है भाई। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे कम फोकस किया जाता है, एंड हम बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग, मतलब ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऑल्सो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं दे आर वर्डन विद द नॉन आईसीडीएस फंक्शन, है ना, क्योंकि तो देखो आंगनवाड़ी जो है वो आईसीडीएस का काम इसलिए नहीं संभाल पा रहे हैं बिकॉज जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके ऊपर उनको काम करना पड़ता है, सो दे आर बर्डन विद दिस, इसीलिए काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लास्ट में हम मेजर्स बताएंगे कि कैसे हम इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं भाई, कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं भाई, चैलेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो क्या करो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ यार, और क्या, सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग नहीं है ठीक से तो करो यार स्ट्रीमलाइन सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग, और कौन कौन से देखो चैलेंजेस का उल्टा होता है मेजर्स। ओके, एंड हमको फोकस करना है, देखो चाइल्ड है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नहीं हो रहा है तो करो यार फोकस उसके ऊपर। ओके, सो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे फोकस करना है, फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, और क्या, ट्रेनिंग नहीं हो रही है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही तो मॉनिटरिंग करो यार, ट्रेनिंग करो इसके। सो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेजर्स हो जाएंगे। लास्ट में हम कंक्लूजन में जब कंक्लूड करेंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव वे में कंक्लूड करेंगे, एक पॉजिटिव नोट के साथ कंक्लूड करेंगे। पॉजिटिविटी इज दी की टू एवरी प्रॉब्लम, ऐसा गवर्नेंस में बोला जाता है। देखो ये क्वेश्चन जो है सोशल जस्टिस से ना बोले तो अगर ये बात करें तो गवर्नेंस से भी, ये गवर्नेंस के अंदर भी आ सकता है मेनली, बट ये सोशल जस्टिस का ही है। चाइल्ड एंड वुमेन कम्स अंडर व्हाट? दे कम्स अंडर दी सोशल जस्टिस वाला पार्ट। सो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो करंट डाटा है वो इंडिकेट करता है कि स्टंटिंग जो है ना वो 31.7% ऑफ दी चिल्ड्रेन में है अंडर 5 ईयर, एंड वास्टिंग इज अराउंड 18.7%, एनीमिया प्रीवेलेंट इशू अमॉन्ग बोथ चिल्ड्रेन एंड वुमेन। तो ये सारे दिक्कतें हमको बता रही है कि कितना ज़्यादा इंडिया के अंदर प्रीवेलेंस है इन चीज़ों का।
The current data indicates that स्टंटिंग का मतलब क्या था? स्टंटिंग का मतलब था लो हाइट पर एज। स्टंटिंग अफेक्ट्स 31.7% ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स। एंड वास्टिंग अफेक्ट्स 18.7% एंड एनीमिया रिमेन अ प्रिवेलेंट इशू अमोंग बोथ चिल्ड्रेन एंड वुमेन। ओके सो इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए चाइल्ड ICDS लॉन्च किया गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि मल्टी डायमेंशनल कॉज जो है माल न्यूट्रिशन का, उसको एड्रेस करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICDS, देखो हमको आंसर जो लिखना है, पहले तो अचीवमेंट्स की बात करेंगे, मतलब जो परफॉर्मेंस था उसकी बात करेंगे, तो उसके बाद उसके चैलेंजेस की बात करेंगे एंड मेजर्स जो ले सकते हैं। तो ICDS का क्या एम था भाई? ऑब्जेक्टिव से साथ साथ उसके परफॉर्मेंस की बात हम कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? इट फोकसेस टू एनहांस, ओके, इट फोकसेस टू एनहांस, इट फोकसेस टू एनहांस द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रेन एज 0 to 6 एंड इट प्रमोट्स देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। रिड्यूस करने की बात करता है मॉर्टलिटी को, मॉर्बिडिटी को एंड माल न्यूट्रिशन को। प्रमोट्स देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, रिड्यूस मॉर्टलिटी, मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए भाई। अगर हम परफॉर्मेंस की ICDS की बात करें, जो कि मेन हमारा फर्स्ट बॉडी का पार्ट था, हमने जो लिखा था अप्रोच में, सो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, दी परफॉर्मेंस ऑफ ICDS, तो एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5, जो कि 2019 से 21 के बीच में आया था, है ना, न्यूट्रिशन इंडिकेटर फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर हैज इम्प्रूव एज कम्पेयर टू NFHS 4। एज पर दी रिपोर्ट ऑफ NFHS 5, द न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स हैज इम्प्रूव एज पेयर विथ NFHS 4। के NFHS 4 जो 2015-16 में आया था, NFHS 5 2019-21 में आया था, एंड जो स्टंटिंग था हैज रिड्यूस टू 38.4%। पहले जो था, मतलब 38.4% था पहले, वो 35.5% हो गया। मतलब स्टंटिंग का मतलब क्या है? लो हाइट पर एज। वास्टिंग का मतलब क्या है? लो वेट पर हाइट, जो था वो 21% था पहले, है ना, NFHS 5 के अकॉर्डिंग, सॉरी NFHS 4 के अकॉर्डिंग वो जाके 19% हो गया।
एंड जो ओवरवेट प्रीवेलेंस था ना वो भी रिड्यूस हो गया भाई, 35% पहले था अब वो 32.1% हो गया। सो परफॉर्मेंस तो अच्छा हुआ है ICDS की वजह से यार। स्टंटिंग हैज रिड्यूस फ्रॉम 38.4% टू 35.5% वस्टिंग हैज रिड्यूस फ्रॉम 21% टू 19.3% एंड अंडर वेट, नॉट ओवर वेट, अंडर वेट प्रीवेलेंस हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 35.8% टू 32.1%। परफॉर्मेंस तो इंक्रीज हुआ है बट कुछ चैलेंजेस भी हैं भाई। चैलेंजेस इन चैलेंजेस क्या क्या हैं भाई, पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी सेक्टर हैं जिसमें फंक्शनल सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है, प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, मैनी आंगनवाड़ी सेंटर्स लैक फंक्शनल सैनिटेशन फैसिलिटीज, पोर्टेबल वाटर एंड प्रॉपर बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग में दिक्कतें हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग में दिक्कतें हैं। सप्लाई नेटवर्क मतलब जो पुअर क्वालिटी ऑफ फूड एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड करते हैं वो पुअर क्वालिटी का मिलता है भाई, एंड ऑल्सो ये इरेगुलरली प्रोवाइड करते हैं और जितना मिलना चाहिए उतना ही प्रोवाइड नहीं करते। सो सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग SNP एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जिसमें क्या है भाई, इरेगुलर इन एडुकेट एंड पुअर क्वालिटी फूड एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरीज। और क्या क्या चैलेंजेस हैं भाई, अवेलेबिलिटी के चैलेंजेस हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है उतना ज़्यादा नहीं है भाई, इनसफिशिएंट नंबर्स ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है ना, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, दैट इज इनसफिशियंट नंबर्स ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स। और भी चैलेंजेस हैं जैसे कि लो फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड चैलेंजेस दैट इज पर्टेनिंग टू ट्रेनिंग मॉनिटरिंग, लो फोकस ऑन अर्ली
अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से सब दिक्कतें हैं नाउ हम कैसे इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं सो दी मेजर्स टू मेजर्स शुड बी कंसिडर्ड जो भी कौन कौन से मेजर्स हैं भाई अच्छा मेजर्स टू कंसिडर्ड सॉरी मेजर्स टू STRENGTHEN मेजर्स टू स्ट्रेंथन ICDS मेजर्स टू स्ट्रेंथन ICDS हम क्या कर सकते हैं पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भाई जो पहला दिक्कत था वहाँ पे हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे कि बिल्डिंग पक्का स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग सैनिटेशन फैसिलिटी पोर्टेबल वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड कुकिंग इक्विपमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एलोकेट फंड्स फॉर इम्प्रूविंग इंफ्रा स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पक्का स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा और क्या करेंगे भाई एक ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे प्रोक्यूरमेंट होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड मॉनिटरिंग होगा फूड एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बिकॉज यहाँ पे हमको देखा में हल तो सरकार तो दे देती है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता जो आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे इरेगुलरली उसको भेज दिया जाता है एडुकेटली दिया भी नहीं जाता है ना और दिया भी जाता है तो बहुत उसकी न्यूट्रिशन पुअर क्वालिटी में दिया जाता है उसको सो हमको एस्टेब्लाइज करना है ऐसे मैकेनिज्म्स हमको ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैकेनिज्म्स बनाने हैं सो एस्टेब्लाइज ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैकेनिज्म्स फॉर प्रोक्यूरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ फूड एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ओके और क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं MIS सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं है ना ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा आसानी से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मॉनिटर कर सकते हैं सो यूटिलाइजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज स्मार्टफोन्स एप्लीकेशंस एंड बायोमेट्रिक डिवाइस फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग और क्या कर सकते हैं भाई जो रेगुलरली इनको ट्रेन तो कर रहे हैं बट उनको रेगुलरली एंड अपडेट भी करेंगे सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम क्या कर पाएं जो चैलेंजेस वो दूर कर पाएं लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस मेजर्स द ICDS कैन इफेक्टिवली टैकल द हाई प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग वास्टिंग एंड एनीमिया एंड देयर बाय इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन इंडिया दस बाई इम्प्लीमेंटिंग दिस मेजर्स दी ICDS कैन इफेक्टिवली टैकल दी हाई प्रीवेलेंस ऑफ स्टंटिंग वास्टिंग एंड एनीमिया देयर बाई
इम्प्रूविंग दी हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन इंडिया। ये था भाई क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या था? इंडियाज हाई प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग, वास्टिंग एंड एनीमिया कंटिन्यू टू पोज पब्लिक हेल्थ रिस्क फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एग्जामिन द परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड सजेस्ट मेजर टू स्ट्रेंथन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? एनालाइज द परसिस्टेंट चैलेंजेस इम्पीडिंग जेंडर पैरिटी इन इंडिया। ओके, इन इंडियाज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन डिस्पाइट नोटेबल इम्प्रूवमेंट इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, सजेस्ट सम टारगेटेड पॉलिसीज मेजर्स टू एनहांस जेंडर इक्वालिटी एंड प्रमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ओके, फिर इस बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनालाइज दी परसिस्टेंट चैलेंज इन इम्पीडिंग जेंडर पैरिटी इन इंडिया। हमारे अंदर जो हमारे देश के अंदर जो जेंडर पैरिटी में जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में हमको बताना है। हमारा जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा रैंक तो बढ़ रहा है, बट हमारा इंडिया के अंदर जो जेंडर पैरिटी है वो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। एंड ऑल्सो सजेस्ट सम टारगेट पॉलिसी मेजर्स, मतलब जो चैलेंजेस हैं उसको दूर करने के मेजर्स बताओ भाई, जिससे जो जेंडर पैरिटी है वो हम इसको मेंटेन कर पाएँ, ला पाएँ। सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, अप्रोच में सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट दी परसिस्टेंट चैलेंजेस, है ना? परसिस्टेंट चैलेंजेस कौन कौन से हैं इन अचीविंग जेंडर पैरिटी। बॉडी के अंदर हमको बात करना है कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं उसके बारे में, कि चैलेंजेस के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, जैसे कि हमारे पास ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन हो गया, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, ओके, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ वुमेन वर्क, अंडर वैल्यूएशन ऑफ वुमेन वर्क, और कौन कौन से चैलेंजेस है? लैक ऑफ सपोर्टिव पॉलिसीज, लैक ऑफ सपोर्टिव पॉलिसीज, ये सब चैलेंजेस हो गए, है ना? एंड ऑल्सो जो चैलेंजेस दैट इज फेस्ड बाय वुमेन, है ना, इन लेबर मार्केट, लेबर मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसके बारे में हम बात थोड़ा मोड़ा करेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से पॉलिसी मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे इन चैलेंजेस को एक प्रकार से दूर कर पाएँ। सो मिनिमम वेजेस एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे भाई, और क्या करेंगे, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को, है ना, ध्यान से, मतलब ये सब पॉलिसी मेजर सरकार ने लिए हैं फॉर एड्रेसिंग द जेंडर गैप। मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इसको सरकार ने नियम बनाया है। कोड ऑन वेजेस और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो अमेंडमेंट किए हैं वो सब, तो ये सब मेजर्स हो गए। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वैल्यू, इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वल पे फॉर
इक्वल वर्क, तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय गिविंग अ डाटा कि हमारा जो जेंडर गैप रिपोर्ट जो है इसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसमें इंडिया की रैंक कितनी आई थी भाई, 127 आई थी आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ओके, तो ये समझ आता है कि हम कितने पीछे हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो क्वेश्चन ने बोला है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, क्योंकि हमारे पास पहले हम 8 रैंक पीछे थे, 127 पे थे, 135 पे थे, तो 8 रैंक हमारे पास इम्प्रूवमेंट आया है, बट फिर भी हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अकॉर्डिंग टू दी एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 बाई दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया वॉज रैंक्ड 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज मेकिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ 8 प्लेसेस फ्रॉम दी प्रीवियस ईयर। ओके, तो ये सब चीज़ दिखा रहा है कि इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं अचीविंग दी जेंडर पैरिटी, तो चैलेंजेस कौन कौन से हैं भाई, चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन लेबर मार्केट। यहाँ पे सबसे मेन जो चैलेंज है वो है ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन भाई, मतलब ऐसे कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे वुमेन्स को अलाउड नहीं किया जाता, एंड जनरली वो हायर पेइंग सेक्टर्स होते हैं, बिकॉज जो माना जाता है कि दे आर मैकेनिकली वीक ऐसा माना जाता है। सो ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन लिमिट्स वुमेन्स एक्सेस टू हायर पेइंग सेक्टर्स। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है दैट लीड्स टू लोअर वेजेस एंड लिमिटेड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू लोअर वेजेस एंड लिमिटेड कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। और क्या क्या चैलेंजेस हैं भाई, जो अंडर एवेल्यूएशन होता है वुमेन वर्क का दैट कंट्रीब्यूट्स टू जेंडर पे गैप, लोग मानते हैं कि वो ठीक से काम ही नहीं करते, तो उसका अंडर एवेल्यूएशन ठीक से काम नहीं करते, पहले से ये प्री डिटरमाइंड नोशंस हैं, तो उससे क्या होता है, इट कंट्रीब्यूट टू दी जेंडर पे गैप। जो मदरहुड पे पॉलिसी है, जो मदरहुड पे रिजर्व जो मदर मदरहुड पे गैप रिजल्ट है इन लोअर वेजेस फॉर वुमेन आफ्टर बिकमिंग मदर्स, मतलब जब कोई भी वुमेन है जब वो मदर बनती है तो उसको कम वेतन मिलता है, कम पे मिलता है। सो एक तरह से ये गैप है भाई, बाकी जगह के मुकाबले यहाँ पे बहुत कम मिलता है इंडिया के अंदर। सो इट कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट, इट कंट्रीब्यूट्स टू दी लोअर जेंडर, मतलब लोअर जेंडर पैरिटी।
मदरहुड पे गैप रिजल्ट इन लोअर वेजेस फॉर वुमेन आफ्टर बिकमिंग मदर्स। ऑल्सो वुमेन इन द लेबर मार्केट फेस इनकम लॉसेस एंड डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द, है ना, हमको देखने को मिलता है डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। वुमेन इन दी लेबर मार्केट फेस इनकम लॉसेस एंड द डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट जो देखने को मिला है ऑफ दी कोविड-19 पैंडमिक, इससे क्या हुआ है, जॉब लॉसेस आए हैं, जॉब लॉसेस आए हैं। वुमेन इन दी लेबर फेस इनकम लॉसेस। दिस आर ऑल दी चैलेंजेस, बट गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉलिसी मेजर्स लिए हैं अगर उसकी हम बात करें तो पॉलिसी मेजर्स में हमारे पास आते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, है ना, कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट आ गया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आ गया, है ना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अमेंडमेंट हो गए, ये सब क्या होंगे, लेजिस्लेटिव मेजर्स हो गए, लेजिस्लेटिव मेजर्स सच एज दी मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एंड अमेंडमेंट्स टू दी, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एंड अमेंडमेंट्स टू दी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सब लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं। बट कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं जैसे कि एमजी नरेगा हो गया, जो कि क्या करता है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है वुमेन लेबर्स को, उससे क्या होगा, जेंडर गैप पे कम होगा। सो इनिशिएटिव्स लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट MGNREGA, ओके, हैज पॉजिटिवली इम्पैक्टेड रूरल वुमेन, मेनली कौन सा वुमेन, रूरल एरिया के रूरल वुमेन वर्कर्स एंड रिड्यूसिंग दी जेंडर पे गैप। ओके, और भी इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि स्किल इंडिया मिशन है जिसने ये वुमेन को इक्विप किया विद द मार्केट रिलेवेंट स्किल्स, जिससे जो लर्निंग टू लाइवलीहुड जो गैप्स थे उसको क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए, ठीक है। तो और बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए थे, बट हमको और भी मेजर्स लेने के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से हम मेजर्स ले सकते हैं। सो पॉलिसी मेजर्स में यहाँ पे हम लिख सकते हैं द स्किल इंडिया मिशन एम टू इक्विप वुमेन विथ मार्केट
relevant skills to bridge the learning to livelihood gap. के हम कुछ मेजर सजेस्ट भी कर सकते हैं, सजेस्टेड पॉलिसी मेजर्स जिससे और भी तरीके से हमारे पास जेंडर पे गैप को हम कर सकते हैं. हम अफर्मेटिव एक्शंस विश्वास रख सकते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस ले सकते हैं, है ना. हम क्या करेंगे, जेंडर सेंसिटिव वर्कप्लेस बनाएंगे जिससे क्या होगा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट होगा. जेंडर सेंसिटिव वर्क प्लेस एंड सपोर्ट फॉर वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप. और क्या कर सकते हैं, हम कोलैबोरेट कर सकते हैं विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक जी, जैसे कि इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन. ओके, कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन. तो ये सब जो हम कर सकते हैं भाई. ओके, लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट क्लोजिंग द जेंडर पे गैप इज क्रूशियल फॉर व्हाट, इट इज क्रूशियल फॉर सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. तो हम क्या करना है भाई, टारगेटेड पॉलिसी मेजर्स इज नीडेड टू फोस्टर इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटी, प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी. ओके, ऐसे लिखेंगे, क्लोजिंग जेंडर पे गैप इज क्रूशियल फॉर सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड targeted policy measures are needed and for that targeted policy measures are needed to promote gender equality. Okay, तो ये था क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 था भाई. एनालाइज द परसिस्टेंट चैलेंजेस इम्पीडिंग जेंडर पैरिटी इन इंडियाज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन डिस्पाइट नोटेबल इम्प्रूवमेंट इन ग्लोबल जेंडर गैप, जो कि पहले 135 था 127 आ गए, उसकी रेफरेंस बात की गई थी यहाँ पे. सजेस्ट सम टारगेटेड पॉलिसी मेजर्स टू एनहांस जेंडर इक्वालिटी एंड प्रमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. हमने कुछ पॉलिसी मेजर्स सजेस्ट भी किए, कुछ गवर्नमेंट ने जो लिए उसको बारे में बताया, उसके पहले सबसे पहले चैलेंजेस के बारे में हमने बताया. ओके, तो 19 नंबर क्वेश्चन है, एन्यूमरेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइनो रशियन अलायंस ऑन इंडियाज जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप. जो चाइना और रशिया का जो अलायंस हो रहा है वो इंडिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पे क्या प्रभाव पड़ा है. बिकॉज हमने देखा कि जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उसके बाद इंडिया ने जो न्यूट्रल स्टांस लिए थे, है ना, उसके बाद रशिया जो था वो भी टिल्ट हो गया टुवर्ड द चाइना. तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करनी है अपने को. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का बोलता है, इवेल्युएट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन द लाइट ऑफ अलायंस ऑफ, है ना, इन द लाइट ऑफ इट्स अलायंस ऑन रशियन मिलिट्री एक्विजिशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रस्वीट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. क्योंकि हमारा मेन चीज जो है रशिया से, हमारा मेन जो मेन उससे
हमारा जो स्वार्थ है रशिया का, वो क्या है कि वो हमको वेपन प्रोवाइड करता है, लेकिन हमने देखा कि जो रशिया था वो चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है टूवर्ड, तो हमारे को उतना वेपन नहीं देगा यार। सो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे, उसको भी हमको बताना है। ठीक है, सो एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एन्यूमरेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइनो रशियन अलायंस ऑन इंडियाज जियो पोलिटिकल लैंडस्केप। साइनो रशियन अलायंस ऑन वॉट? साइनो रशियन अलायंस ऑन इंडियाज जियो पोलिटिकल लैंडस्केप। एंड इवेल्युएट द चैलेंजेस फेस्ड बाई इंडिया इन द लाइट ऑफ इट्स रिलायंस ऑन रशियन मिलिट्री एक्विजिशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इट्स परस्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। हमारे पास अगर हम अप्रोच की बात करें, तो अप्रोच में सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाई मैंशनिंग अबाउट द ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बिटवीन चाइना एंड रशिया। हाईलाइट करेंगे ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट बिटवीन चाइना एंड रशिया के बारे में। इसके बाद बॉडी में क्या करना है भाई, बॉडी में हमको बॉडी में बात करना है अबाउट द मल्टी फैसेटेड कंसिक्वेंसेस ऑफ अलायंस जो रशिया एंड चाइना का हो रहा है ऑन इंडियाज जियो पोलिटिकल लैंडस्केप। देखो ये इंटरनेशनल रिलेशन से ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन से ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो हमको बात करना है अबाउट द मल्टी फैसेटेड कंसीक्वेंसेस ऑफ द अलायंस ऑन इंडियाज जियो पोलिटिकल लैंडस्केप। ओके, पहला इसकी बात करना है। दूसरा हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंडिया फेस करेगा, है ना, बिकॉज हमारा जो रिलायंस है रशियन मिलिट्री एक्विजिशन पे बहुत ज़्यादा है यार, है ना। और जब हमारा रिलायंस जो था मिलिट्री के ऊपर वो ज़्यादा रहेगा और रशिया चाइना की तरफ टिल्ट हो जाएगा, तो हमको मिलिट्री एक्विजिशन कम देगा, हमको इक्विपमेंट कम देगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे, उस पर भी हमको बताना है। हमको चैलेंजेस के बारे में बताना है, चैलेंजेस इंडिया फेस इन लाइट्स ऑफ इट्स रिलायंस ऑन रशियन मिलिट्री एक्विजिशन एंड इम्पैक्ट ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ओके, लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन में क्या बताएंगे भाई, हम बताएंगे एम्फेसिस क्या है भाई हमारा इंडिया का, है ना। वी विल एम्फेसाइज द नीड फॉर इंडिया टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज, है ना। और हमको क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है अपने डिफेंस एक्विजिशन को एंड हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत। ओके, नीड फॉर डाइवर्सिफाइंग इट्स डिफेंस acquisition, needs for diversifying its defense acquisition and effective diplomacy में कितना, and need of effective diplomacy, need of effective diplomacy, okay? So introduce करते हैं by mentioning about what, by mentioning about जो रिसेंट इवेंट्स हुए थे भाई रशिया एंड चाइना का जो रिलेशन हो रहा है वो कैसे ग्रो हो रहा है उसका हाइलाइट्स बताना है अपने को। सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन इन्फ्लुएंस इन ऑटोनॉमी एंड रिलायंस ऑन रशियन मिलिट्री एक्विजिशन एमिड, बिकॉज एमिड मतलब बिकॉज ऑफ द चाइना और रशिया का जो
जो रिलेशन है वो थोड़े से कड़क बन रहे हैं, सॉलिडिफाई हो रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं, उसके वजह से इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, फेस करने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इन्फ्लुएंस, इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ रिलायंस ऑन रशियन मिलिट्री एक्विजिशन एमिड दी सॉलिडिफाइंग सॉलिडिफाइंग चाइना रशिया पार्टनरशिप एंड, है ना, इसको अगर हमको नेविगेट करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है फॉर आवर स्टेबिलिटी इन दिस साउथ ईस्ट रीजन, बिकॉज यहाँ पे हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं यार, और इसको अगर हमने इस क्योंकि मिलिट्री मिलिट्री एक्विजिशन अगर कम हो गया रशिया से तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है. सो नेविगेटिंग दिस इज अ क्रूशियल फॉर स्टेबिलिटी. ओके, नेविगेटिंग दिस इज क्रूशियल फॉर स्टेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर स्टेबिलिटी. सो व्हाट इज द कंसिक्वेंसेज दैट इज फेस्ड बाय इंडिया बिकॉज ऑफ द रिलेशन बिटवीन रशिया एंड चाइना, जो कि और भी मजबूत हो रहे हैं बिकॉज पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर. तो एक प्रकार से अगर मैं मेरे रेफरेंस में बात करूँ तो देखो जो गलती इंडिया ने की थी, मैं अपने रेफरेंस बता रहा हूँ, मैं अपना सोच बता रहा हूँ, ठीक है, जो गलती इंडिया ने की थी आफ्टर दी जो नॉन अलाइनमेंट इस्तेमाल किया था, मैं रशिया का भी साथ नहीं रहूँगा, मैं यूएसए के साथ नहीं रहूँगा, उस समय जो गलती की थी उसकी वजह से जो इंडिया अकेला पड़ गया था, वो आज वही गलती फिर से दोहराती हुई दिख रही है भाई, बिकॉज आज भी इंडिया अकेला, क्योंकि रशिया भी छोड़ दिया, अब रशिया भी चाइना की तरफ टिल्ट हो चुका है. सो ये हमारे पास, मेरा मानना ही है. सो कॉन्सिक्वेंसेज दैट इज फेस्ड बाई इंडिया बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ द रशिया चाइना के बीच में जो सॉलिडिफाइंग रिलेशन हो रहे हैं उसके वजह से. पहले तो जो जियो पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलेंगे हैं, बिकॉज जो पावर शिफ्ट होगा रीजन के अंदर, है ना, वो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ना, इंडिया का जो कॉम्पिटिशन है वो उसको अफेक्ट कर सकता है. जियो पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज की अगर हम पहली बात करें, जियो पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रशिया चाइना सॉलिडिफाइंग रिलेशन, पहला क्या है, अलायंस कैन शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन एंड लिमिटिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस एंड इंटेंसीफाइंग कंपिटिशन फॉर रीजनल डोमिनेंस. द अलायंस कैन शिफ्ट द बैलेंस द अलायंस कैन शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन लिमिटिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस एंड इंटेंसीफाइंग कंपिटिशन फॉर वर्ड फॉर रीजनल डोमिनेंस. तो पहला तो जो जियो पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज थे वो देखने को मिला. दूसरा अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज की, अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज की, तो जो रसिया और चाइना था, है ना, इकोनॉमिक कंपटीशन फ्रॉम रसिया एंड चाइना कैन पोज अ चैलेंज फॉर इंडिया, पर्टिकुलरली कौन से सेक्टर में, कौन से एरियाज में, एनर्जी के एरियाज में, नेचुरल रिसोर्स के एरियाज में और ट्रेड के एरियाज में, बिकॉज चाइना रशिया एक साथ हो जाएंगे तो उन लोग दे आर सेल्फ सफिशियंट यार, वी आर नॉट सेल्फ सफिशियंट, तो हमको डिपेंड रहना पड़ता है एनर्जी के लिए, नेचुरल रिसोर्स के लिए. तो अगर हमारे पास ये दोनों का टाइट सॉलिडिफाई हो गया रशिया एंड चाइना का, तो हमको कंपिटिशन देखने को मिल सकता है, इकोनॉमिक कंपटीशन फ्रॉम चाइना एंड इकोनॉमिक कंपटीशन फ्रॉम चाइना एंड रसिया कैन पोस चैलेंजेस फॉर इंडिया पर्टिकुलरली इन एरियाज सच एज एनर्जी इन एरिया सच एज नेचुरल रिसोर्सेस एंड ट्रेड. और क्या क्या हमारे पास चैलेंज कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल सकते हैं, जो मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज इंडिया का जो कोऑपरेशन है, मतलब इंक्रीज कोऑपरेशन जब हो जाएगा चाइना रशिया के बीच में, तो जो मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल स्फीयर है ना,
रेज कंसर्न अबाउट इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स, बिकॉज उन दोनों के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, सो वो हमारे को इस रीजन में जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स प्रोवाइड कर सकता है। सो मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो हमेशा याद रखना जो भी चीज़ें हैं तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जब आप प्रेजेंट करते हो तो एग्जामिनर के लिए भी अच्छा होता है और हमारे भी अच्छा होता है रिटेन करने के लिए। सो मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस आर व्हाट एंड अ मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल स्फीयर ऐसे लिखते हैं इन मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल स्फीयर्स रेस इट रेस कंसर्न्स अबाउट इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आ सकते हैं पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ओके, और डिप्लोमेटिक हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं यार, है ना। जैसे कि अगर हम इंडिया बात करें, अगर जो कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक लैंडस्केप है हमारे आसपास जिससे अलायंस हो रहा है पर्टिकुलरली इन द इंटरनेशनल फॉर्म लाइक यूनाइटेड नेशन वेयर चाइना एंड रशिया वेयर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अगर चाइना और रशिया एक दूसरे के इन्फ्लुएंस करने लगे हैं जैसे कि खास तो यूनाइटेड नेशन में, है ना, तो हमारे बाद हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम हो जाएगा बिकॉज चाइना और रशिया दोनों ही हमारे पास परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, खासकर P5 में P5 कंट्रीज़ का पार्ट है दोनों, तो दोनों अगर एक साथ आते हैं और चाइना हमसे बड़ा हमारा बहुत बड़ा एनिमी है तो एक प्रकार से हमको एक डिसएडवांटेज डिप्लोमेटिक लैंडस्केप देखने को मिलता है यार। ओके, सो अगर डिप्लोमेटिक स्फीयर में बात करें, है ना, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस और डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल फोरम्स सच एज यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। लास्ट में इसके बाद हम बात करेंगे अगर इंडिया जो रिलायंस बहुत ज़्यादा निर्भर है भाई रशिया के मिलिट्री एक्विजिशन पे, सो इससे एक और बड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाते हैं अगर रशिया चाइना का एक तरह से हमारे पास रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं तो। कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू रशियन ड्यू टू आरी रिलायंस ऑन रशियन मिलिट्री रशियन मिलिट्री एक्विजिशन। पहला तो टेक्नोलॉजिकली हम डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर, सो इंडिया का जो एक्सेस है टू एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड हिंडर इट्स मॉडर्नाइजेशन एफर्ट। ओके, अफेक्ट करेगा इंडिया को साइनो रशियन अलायंस अफेक्ट्स इंडियाज अफेक्ट इंडियाज एक्सेस टू एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड
also hindering its modernization efforts. और क्या क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज आएगा भाई, जो सप्लाई चेन है फॉर स्पेयर पार्ट मेंटेनेंस एंड अपग्रेड ऑफ रशियन ओरिजिन मिलिट्री इक्विपमेंट, उसके भी डिसरप्शन हो जाएगा। क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि आप एक बार फाइटर जेट खरीद लो उसके बाद आप मस्त बनाते रहोगे, उसको भी उसके मेंटेनेंस के लिए भी रशिया के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तो अगर हमने हमारे पास आज जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी हम उसके लिए रशिया के डिपेंडेंट हैं, अगर रशिया ने हमको मना कर दिया तो हमारे तरीके से वो बेकार ही हो जाएगा। सो माइट लीड टू डिसरप्शन इन दी सप्लाई फॉर स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स ऑफ रशियन ओरिजिन मिलिट्री इक्विपमेंट। ओके, ऑल्सो इट स्टैंड्स ऑन स्ट्रेटेजिक ऑर्डर में, बिकॉज अगर रशिया रशिया और चाइना का अलायंस हो गया तो जो इंडिया का जो परस्यूट है फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना, हम अलग से रहेंगे है ना, एज इट मे इंडियाज फ्लेक्सिबिलिटी एज इट मे लिमिट्स इंडियाज फ्लेक्सिबिलिटी इन अलाइनिंग विद आदर पावर है ना। ओके, इट स्टैंड्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड इट मे लिमिट इंडियास फ्लेक्सिबिलिटी इन लाइनिंग विथ आइदर पावर्स। ओके, सो ये हमारे पास जो रिलायंस है हमारा बहुत ज़्यादा मिलिट्री पोजिशन के रशिया के ऊपर, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ड्यू टू रशिया एंड चाइना सॉलिडिफाइंग रिलेशन, उसकी बात की। नाउ कैसे इस चैलेंजेस इस कैसे ये जो चैलेंज है हमारा है ना, जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दी रशिया चाइना मोर सॉलिडिफाइंग रिलेशन और विथ मेनली जो मिलिट्री एक्विजिशन है उसके रेफरेंस में, तो उसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं इसके बारे में हमको बताना है। सो एड्रेस मीन्स स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस दिस चैलेंजेस। स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस दिस स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस दिस चैलेंजेस। पहला तो हमको एंगेज करना है डायलॉग के साथ चाइना एंड रशिया, जिससे हमारे पास जो एसेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे हमारे पास म्यूचुअल कंसर्न रहे एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सो वी शुड एंगेज इन डायलॉग्स विद बोथ चाइना एंड रशिया। एंगेजिंग इन डायलॉग विथ बोथ चाइना एंड रशिया इज एसेंशियल टू मैनेज एरियाज ऑफ म्यूचुअल कंसर्न एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। खास कर तो जो बॉर्डर एरियाज हैं वो। और क्या क्या हम कर सकते हैं भाई, हमको पार्टनरशिप जो है अदर कंट्रीज़ के साथ, खासकर जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंदन करने की ज़रूरत है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, जिससे जो चाइना और रशिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको हम क्या कर पाएँ, काउंटर बैलेंस कर पाएँ, ख़त्म एक प्रकार से ख़त्म नहीं एक प्रकार से मैनेज कर पाएँ। ओके, सो इसको हम कर सकते हैं। सो वी नीड टू स्ट्रेंदनिंग द पार्टनरशिप विथ अदर कंट्रीज पर्टिकुलरली इन दी
इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, और क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक टाइज जो है वो बढ़ा सकते हैं, है ना, डीपन कर सकते हैं किसके साथ, रीजनल एंड ग्लोबल पार्टनर्स के साथ, जिससे इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उधर से सपोर्ट होगा। और क्या कर सकते हैं भाई, जो डिफेंस पार्टनरशिप के लिए हम निर्भर हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं डिफेंस पार्टनरशिप को, है ना, इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे, एंड हम ऑल्सो एंगेज होंगे विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज, खास करके तो इजिप्ट लाइक कंट्रीज। ओके, सो इंडिया मस्ट कंसिडर डाइवर्सिफाइंग इट्स डिफेंस पार्टनरशिप। ओके, मस्ट डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रेंथनिंग इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड फोस्टरिंग स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज। ओके, हमको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है इंडिया का डिफेंस पार्टनरशिप को। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशंस है। हमें लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट हमको क्या अपनाने की जरूरत है। वी नीड टू टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बहुत सारे डायमेंशंस में हमको अप्रोच लेना होगा, जैसे कि डिप्लोमेटिक अप्रोच, इकोनॉमिक डायमेंशंस में, मिलिट्री डायमेंशंस में, एंड ऑल्सो हमको स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस में भी बात करनी होगी, तभी जाके ये जो रशिया चाइना के जो अलायंस है उसके ऊपर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम क्या कर पाएँ, कम कर पाएंगे। ओके, सो वी नीड, वॉट डज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इज द नीड ऑफ द आर। Thus, a comprehensive approach combining diplomacy, economic, military strength, and leveraging स्ट्रेटेजिक एसेट्स एनेबल्स इंडिया टू एड्रेस साइनो रशियन चैलेंजेस। ओके, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक, मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेवरेज करना है, जिससे हम रशिया चाइना के चैलेंज को कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन बड़ा है, इसको आप कट शॉर्ट कर सकते हो, दो पॉइंट्स कॉन्सिक्वेंसेस से हटा दो, एक पॉइंट कॉन्सिक्वेंस से हटा दो, एक पॉइंट जो हमारे पास मिलिट्री इक्विजिशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में उससे हटा दो, एक पॉइंट आप यहाँ पे हटा सकते हो कि करना क्या चाहिए उससे, मेजर्स जो स्ट्रेटेजिक मेजर्स दैट इज रिक्वायर्ड उससे एक पॉइंट से हटा दो। तो चीज़ों को 15 का छोटा किया जा सकता है, 15 का 10 मार्क्स के हिसाब से लिखा जा सकता है, बट 10 के लिए 15 करने के लिए कंटेंट चाहिए, कंटेंट खोजना बहुत तकलीफ हो जाता है। सो ये क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था एन्यूमरेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रशिया, दैट इज एन्यूमरेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइनो रशियन अलायंस ऑन इंडिया जियो पोलिटिकल लैंडस्केप, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा पार्ट था, है ना, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमने बात की भाई, कॉन्सिक्वेंसेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कॉन्सिक्वेंसेज इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक। ओके, कॉन्सिक्वेंसेज इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक, कॉन्सिक्वेंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज थे, मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेज थे, डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज थे, है ना। अब हमने बताया, उसके बाद दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहा था, इवेल्युएट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन द लाइट ऑफ द रिलायंस ऑन
रशियन मिलिट्री एक्विजिशन, बिकॉज वी आर वेरी वेरी मच डिपेंडेंट यार, रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, खास करके मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे। लेकिन अगर चाइना और रशिया का टाई स्ट्रांग हो गया तो हमारे मिलिट्री एक्विजिशन पे प्रभाव पड़ सकता है, और क्या क्या चैलेंजेस पड़ सकते हैं वो हमको बताना था। हमने बताया भाई जो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस है हमारे ऊपर, हमारा जो रशिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर हमने उससे मिलिट्री इक्विजिशन नहीं लिए तो हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में पीछे चले जाएंगे। ऑल्सो मेंटेनेंस के लिए हम निर्भर हैं रशिया के ऊपर, स्पेयर पार्ट से सप्लाई के लिए निर्भर हैं, अपग्रेड्स के लिए निर्भर हैं, तो अगर उसने हमारे साथ नाता तोड़ दिया तो हमको दिक्कतों का सामना पड़ सकता है भविष्य में। और ऑल्सो जो ऑटोनॉमी है भाई, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम अपने आप से सब चीज़ कर पा रहे हैं, वो भी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुँच सकता है अगर यहाँ पर ये हमसे मदद करने से मना कर दें। तो ये सब चीज़ें थी, है ना। हमने देखा कि रिलायंस जो था वो कैसे अफेक्ट करता है, तो इससे क्या क्या चैलेंजेस थे, हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे बाहर निकल सकते हैं, हमको जो इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए, है ना, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ हमको पार्टनरशिप करना है भाई, बार्गेन करेंगे एट दी इंटरनेशनल फोरम्स लाइक इकोनॉमिक फोरम्स, ओके। सो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं उनके साथ, रशिया चाइना के साथ हमारे पास डायलॉग कर सकते हैं, जिससे जो दिक्कतें हैं आपस में बातचीत करके हम सुलझा सकें, है ना, मिलिट्री पे अफेक्ट ना हो। सो इस प्रकार से हमने इस आंसर को लिखा है भाई। एंड देन लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है एसेस द मल्टी फैसेटेड फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन यूएसए दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया एंड इवेल्युएट देयर इंप्लीकेशन ऑन रीजनल एंड ग्लोबल डायनेमिक्स। देखो ये भी क्वेश्चन कहाँ से है भाई, इंटरनेशनल रिलेशन से, ओके। और ये हमेशा क्वेश्चन देखो, अगर आज के जमाने इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आएगा तो जो डेली चल रहा है वही आएगा भाई, रशिया चाइना का चल रहा है, रशिया इंडिया यूएसए का चल रहा है, तो वही आएगा, है ना। सो क्योंकि देखो इंडिया ने क्या क्या देखा कि भाई रशिया चाइना की तरफ जा रहा है तो इंडिया अमेरिका की तरफ जाना चालू कर दिया। इसके बारे में हमसे बात करनी है यहाँ पे। क्वेश्चन था एसेस द मल्टी फैसेटेड फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन यूएसए दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया एंड इवेल्युएट देयर इंप्लीकेशन ऑन रीजनल एंड ग्लोबल डायनेमिक्स। ठीक है, पहले तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया और रशिया के सॉरी इंडिया यूएसए के जो रिलेशन हैं उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। दूसरा, हमारे पास इसका इंप्लीकेशन रीजनल एंड ग्लोबल डायनेमिक्स पे क्या पड़ेगा उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई, अप्रोच के लिए सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे भाई, मेंशनिंग अबाउट द ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस और उसका सिग्निफिकेंस भी बताएंगे भाई, सिग्निफिकेंस इन व्हाट, सिग्निफिकेंस इन इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर। ओके, सो हमको बताना है अबाउट द ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द यूएस एंड रसिया। इसके बाद बॉडी में क्या करेंगे भाई, बॉडी में हमको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेंथ कर रहे हैं इंडिया एंड यूएस के रिलेशन को। जैसे कि हम बताएंगे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है इंडिया और यूएस का वो सेम है भाई, है ना, बिकॉज यहाँ पे डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वहाँ भी जो इकोनॉमिक टाइज है इंडिया का वो दोनों सिमिलर हैं, जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, ये सब चीज़ें हैं जो कि इंडिया और यूएस को आपस में जोड़ रही है एक प्रकार से। ओके, सो हमको बताना है फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन यूएस एंड इंडिया। ओके, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूएस इंडिया पार्टनरशिप। तो कौन कौन से फैक्टर्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात कर सकते हैं यार, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक टाइज है हमारे ऊपर, जो हमारा चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा खरीदी जाती है, वहाँ की चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खरीदी जाती है। देखो आज के ज़माने में खास कर तो कोई भी देश इंडिया से नहीं उलझना चाहेगा, बिकॉज हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यार, और किसी भी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लोग उसके पास बायर्स हैं, तो कोई भी ऐसे तो नहीं है कि लड़ना चाहेगा हमसे। सो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ठीक है ना, तो इंडिया एंड यूएस का जो टाइज है वो स्ट्रेंथन क्यों हो रहा है, बिकॉज दी कॉमन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इकोनॉमिक टाइज की वजह से, जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसकी वजह से, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इसकी वजह से इन दोनों का टाइज एक प्रकार से क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है भाई, स्ट्रेंथन हो रहा है पार्टनरशिप ना। हमको उसके बाद दूसरी बात करनी है, क्वेश्चन ने हमसे जो पूछा है दूसरा पार्ट में, ये पूछा है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशन ऑफ व्हाट, इम्प्लीकेशन ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके ऊपर, जो रीजनल डायनामिक्स है मतलब जो चाइना चाइनीज का जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, उसको कैसे बैलेंस करेंगे यार, है ना, स्टेबिलिटी को कैसे मैनेज करेंगे, सिक्योरिटी कैसे मैनेज करेंगे, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को कैसे, है ना, क्या बोलते हैं, बैलेंस करेंगे, इसकी बात हमको करनी है यार सेकंड पार्ट में। सो हमको बात करनी है सेकंड पार्ट में अबाउट, फर्स्ट में हमको बताने वो फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिया यूएस पार्टनरशिप, सेकंड हमको बताना है, सो सेकंड पार्ट में हमको बात करना है अबाउट द इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे क्या क्या इन्फ्लुएंस है भाई, पहला तो चाइनीज इन्फ्लुएंस को कैसे बैलेंस करेंगे, ये भी हमारे पास एक चैलेंज है, बैलेंसिंग दी चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एक चैलेंज है भाई। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एक चैलेंज है, तो ये सब हमारे पास इम्प्लीकेशंस हैं, इनमें सब मतलब इन सब जो में हमारे पास इनोवेशन, इन सब चीज़ों में हमारे पास इसके प्रभाव पड़ सकते हैं, किसके प्रभाव, इंडिया एंड यूएस के जो स्ट्रेटेजिक टाइज बन रहे हैं उसके। लास्ट में हमको कंक्लूड करना है, हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट द की पॉइंट्स जो कि हमने बॉडी में डिस्कस किए हैं। ओके, सो कंक्लूजन में क्या करेंगे भाई, कंक्लूजन में हम एम्फेसाइज करेंगे अबाउट द नीड फॉर अ मल्टी फैसेटेड फैक्टर, एम्फेसाइजिंग द मल्टी फैसेटेड फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको एक बार ऐसे डिस्कस कर देंगे, समराइज कर देंगे जो मल्टी फैसेटेड फैक्टर्स हैं उनको, समराइज दी मल्टी फैसेटेड फैक्टर्स। ओके, सो ये हो गया हमारे पास अप्रोच। सो स्टार्ट करते हैं भाई इंट्रोड्यूस करने से। सो जो बायलेटरल रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड यूएस वाज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली, क्यों, ड्यू टू फैक्टर्स सच एज जो इंडिया का जो एक्सपांडिंग इकोनॉमी है, प्लस जो इंडिया का डायस्पोरा है जो कि बहुत ज़्यादा अमेरिकन अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है, एंड द शेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ एड्रेसिंग चाइनाज असर्टिवनेस, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडिया और चाइना, इंडिया यूएस का जो टाई है, रिलेशन है, बायलेटरल रिलेशन बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है। द बायलेटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली, थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बड़ा होगा, चल जाएगा भाई 50 वर्ड्स में भी अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, 15 मार्क्स में 50 से 60 वर्ड में इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। ओके, बट हर क्वेश्चन में मत लिखना, ट्राई टू अवॉइड दिस, बट इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन में ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सो बायलेटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली ड्यू टू फैक्टर्स सच एज इंडियाज एक्सपांडिंग इकोनॉमी, द इन्फ्लुएंशियल इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिकन अफेयर्स एंड जो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा, दोनों चाहते हैं इंडिया और रशिया की, इंडिया और यूएस की, दोनों चाइना को गिरा दें, है ना, सो एंड देयर शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, एंड देयर शेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ एड्रेसिंग चाइनीज असर्टिवनेस, देयर शेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ एड्रेसिंग एड्रेसिंग चाइनीज असर्टिवनेस। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है बट चलेगा भाई, बिकॉज इंडिया का जो एक्सपांडिंग इकोनॉमी है उसकी वजह से इंडिया और यूएस का जो टाई है वो बढ़ रहा है, और इंडिया का जो बहुत बड़ा एक डायस्पोरा है जो कि अमेरिका में रहता है उसके वजह से भी, और ऑल्सो जो चाइनीज असर्टिवनेस को साथ साथ दोनों काउंटर करने की बात करते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे दोनों का टाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो ये इंट्रोडक्शन हो गया, नाउ सेक्टर में हम बॉडी में बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि स्ट्रेंथन कर रहे हैं यार इनके टाइज को। ओके, सो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू
factors contributing to strengthening partnership. कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं होता, बट जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे. पहला तो जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, बिकॉज हमारे पास दोनों कंट्रीज हैं, दे आर लाइक माइंडेड, दे हैव लाइक माइंडेड व्यूज ऑन इंडो पैसिफिक रीजन का ग्रोथ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. कैसे यहाँ पे इंडो पैसिफिक पे फोकस करना है, दोनों बहुत बहुत इसमें क्रिटिकल है इस मामले में. इसीलिए पॉलिटिकल अलाइनमेंट की वजह से भी एक प्रकार से यहाँ का इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड यूएस का जो है वो पार्टनरशिप और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अलाइनमेंट. ओके, बिकॉज बोथ कंट्रीज शेयर अ कॉमन कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्लूरलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ. इसके बारे में लिखेंगे, बोथ कंट्रीज शेयर अ कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्लूरलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ. उसके बाद और कौन कौन से कारण हैं जो कि स्ट्रेंथन कर रहे हैं हमारे पार्टनरशिप को? जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है. इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब क्या? इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि यूएस से बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो कि यूएस से बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है, एंड मार्केट एक्सेस जो कि यूएस का बहुत ज़्यादा है भाई इंडिया के अंदर. सो इस सब चीज़ों की वजह से हमारे पास इन दोनों का टाई जो है इंडिया और यूएस का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एज वेल. सो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ना. इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मार्केट एक्सेस. इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मार्केट एक्सेस. ओके, उसके बाद हमारा डिफेंस कोलैबोरेशन भी देखने को मिलता है भाई. तो ये हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें हम बहुत ज़्यादा रशिया के डिपेंडेंट थे, है ना, हम रशिया से थोड़ी दूर जाकर अगर यूएस से बात करें तो यूएस भी हमको मदद कर सकता है, है ना. सो डिफेंस कोलैबोरेशन, इट विल रिड्यूस इट्स हिस्टोरिकल डिपेंडेंस ऑन रशिया मिलिट्री सप्लाइज एंड एंगेजिंग इन एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज विद द यूएस. ओके, रिड्यूसिंग इट्स हिस्टोरिकल डिपेंडेंस ऑन रशियन मिलिट्री सप्लाइज. और क्या क्या कारण है भाई इंडियन यूएस के जो स्टाइज हैं वो स्ट्रेंथनिंग होने के? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एज वेल, है ना. टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन कैसे भाई? टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है ना बिटवीन, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस एंड हाल का जो हुआ था, है ना, है ना. इन्वेस्टमेंट जैसे कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो था वो इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट किया था. सो ये जो है ये तरह से टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन जो है इन दोनों के टाइज को तरह से स्ट्रेंथन कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इन्वेस्टमेंट बाय माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बाय माइक्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडियास सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इंडियास सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. ओके, तो ये सब चीज़ें हैं भाई जो कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंडिया और यूएस के टाइज को. बट देयर आर इम्प्लीकेशंस ऑन रीजनल डायनेमिक एज वेल, एंड इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ग्लोबल डायनेमिक्स पर भी पड़ सकते हैं. तो पहले तो हम बात करें कि इंडिया और यूएस के जो रिश्ते हैं मजबूत हो रहे हैं उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जो रीजनल डायनेमिक्स है उसकी बात करेंगे. सो इम्प्लीकेशन ऑन वॉट? इम्प्लीकेशन ऑन
इम्प्लीकेशन ऑन रीजनल डायनेमिक्स। ओके, पहला जो पार्टनरशिप है, एम टू कर्टेन चाइनाज एग्रेसिव डिजाइन विथ क्वाड फॉरम सर्विंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर दिस पर्पस। ओके, और क्या हो सकता है, दोनों कंट्रीज जब कोलैबोरेट करेंगे ऑन मैरिटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, या फिर जब जो सेफ्टी जो है सी लेन का जब ये इंश्योर करते हैं, सो रीजनल डायनेमिक्स इस प्रकार से प्रभाव होगा भाई। पहले तो है हमारे पास जो पार्टनरशिप है ना, वो कर्टेन करेगा चाइना से एग्रेसिवनेस को। दी पार्टनरशिप एम टू कंटेन चाइनास एग्रेसिव डिजाइंस विथ, और चाइनास एग्रेसिव डिजाइंस विथ क्वाड फॉरम। क्वाड मतलब कौन, चाइना नहीं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये एक इम्प्लीकेशन है। और क्या करेगा भाई, बोथ कंट्री कोलाबरेट ऑन मैरिटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड इट इंश्योर सेफ्टी ऑफ फ्री लेन और सेफ्टी ऑफ सी लेन इन इंडो पैसिफिक। तो रीजनल डायनेमिक्स पे इस ये प्रभाव पड़ेगा इंडिया एंड यूएस का जो रिलेशन स्ट्रेंथन होने का। सो बोथ बोथ कंट्रीज कोलाबरेट ऑन मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड एंश्योरिंग दी सेफ्टी ऑफ सी लेन इन दी इंडो पैसिफिक। तो ये इम्प्लीकेशन है रीजनल डायनामिक्स पे। नाउ अगर हम बात करें इम्प्लीकेशंस, और ऑल्सो रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाएगा यार, काउंटर टेररिज्म एफर्ट में भी हेल्प करता है ये। सो इट विल एनहांस इंडिया एंड यूएस का जो टाइज हैं, जब स्ट्रेंथन होंगे तो इट विल एनहांस व्हाट, इट विल एनहांस रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। ओके, लास्ट में अगर हम बात करें ग्लोबल डायनेमिक्स पे क्या क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे, इम्प्लीकेशंस ऑन ग्लोबल इम्प्लीकेशंस ऑन ग्लोबल डायनेमिक्स। पहले तो इट विल एड्रेस द क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब इन दोनों का टाइज जब स्ट्रेंथन होगा, सो कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है, कोलैबोरेशन ऑन व्हाट, कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कोलैबोरेशन ऑन व्हाट, कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं भाई ग्लोबल लेवल पे, है ना, इट विल प्रमोट मल्टीलेटरलिज्म एंड रिफॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस सच एज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। प्रमोट मल्टीलेटरलिज्म एंड एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस सच एज न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकता है भाई। एंड अगर हम G20 अभी हो रहा है तो G20 की भी बात कर सकते हैं, बिकॉज बाई कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट फोरम्स लाइक यूनाइटेड नेशन एंड G20
है ना, दे कैन एम्पलीफाई देयर कलेक्टिव वॉइस है ना, एंड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग को एंड ग्लोबल एजेंडाज को भी शेप कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, बट इसको आप चाहो तो ना भी लिखो जब आप, क्योंकि मेरा थोड़ा सा 200 वर्ड से 250 में, 250 वर्ड में लिखना होता है, 250 से 70 वर्ड चल सकता है, ठीक है, उसमें कट शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, सो बाई कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट्स इन इंटरनेशनल फोरम लाइक द यूनाइटेड नेशन एंड G20, द टू कंट्रीज कैन एम्पलीफाई देयर कलेक्टिव वॉइस। ओके, लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस द कोऑपरेशन बिटवीन US एंड इंडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ द शेयर ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट ग्लोबल पीस एंड वेलफेयर। ओके, एंड हाईलाइटिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विथ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। छोटा सा लिखेंगे भाई ऐसा टाइप का, दस द कोऑपरेशन बिटवीन दी US एंड इंडिया इज, दस नहीं लिखेंगे ऐसे लिखते हैं, द कोऑपरेशन बिटवीन US एंड इंडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ दी शेयर्ड ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट ग्लोबल पीस एंड वेलफेयर। ओके, सो ये था भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन था भाई, GS2 टेस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन क्या था, एसेस दी मल्टी फैसेटेड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन US एंड इंडिया, एंड हमको फैक्टर्स बताने थे जिससे इनका पार्टनरशिप स्ट्रेंथन हो रहा है, ताकतवर बन रहा है। दूसरा पार्ट जो था वो बोलता था इवेल्युएट देयर इम्प्लीकेशन ऑन बोथ रीजनल एस्पेक्ट में, हमने बात की इंडो पैसिफिक वाले रीजन में है ना, ग्लोबल एस्पेक्ट में हमने बात की कैसे हमारे पास जब आपस में कोऑपरेट होंगे तो हम जो ग्लोबल पीस एंड वेलफेयर पर काम कर सकते हैं, हम यूनाइटेड नेशन एंड G20 जैसे फोरम पर हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग को। ओके, तो ये क्वेश्चन था भाई, ये फोर्थ पार्ट था, इसके बाद हम बात करेंगे GS3 टेस्ट नंबर 3 के पार्ट 1 की।